मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि आर का फॉर्मूला था रो अपान ए, वेयर रो इज स्पेसिफिक रजिस्टिविटी। याद रखना इसका। अब एक चीज बताओ, इसका एसआई यूनिट क्या होगा रो का? अच्छा ये बताओ, इस रो का फॉर्मूला क्या होगा? ये ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ए इसके नीचे आ जाएगा। ऐसे पता है आपको रो एल अपान में ए, ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ इसके नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू ए अपान में ए इज इक्वल टू रो। आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराने आता है, वहाँ से रो की फॉर्मूला निकालते हैं। यानी रो का फॉर्मूला क्या होगा? आर का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ रो। रो का एसआई यूनिट बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। आर का ओम होता है ओम, ठीक है। एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है। एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, रो का एसआई यूनिट क्या होगा? ओम मीटर। याद रखना यहाँ पर छोटा सा डैश होता है, ओम मीटर। समझ में आया? एक एम से तो एक एम कट गया, एक एम है, याद रहेगा ये रो का एसआई यूनिट है, याद रहेगा ना? चलो इतना समझ में आ गया। मैंने क्या किया, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया। कैसे? आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ए, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए रो। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। अब रो का फॉर्मूला कैसे किया? ये ए को क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर, इसके नीचे लाया, ये हो गया रो का फॉर्मूला। अब इसका एसआई यूनिट कैसे निकाला? आर का ओम होता है, ए का मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट होता है, एल एल का क्या होता है? एम होता है। एक एम से कट गया, एक एम बचा, यानी ओम मीटर होता है, ठीक है। हेडफोन जानते हो लोग, हेडफोन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, तो वैसे ही एम को साइन, एम ओम का साइन होता है ये, इसका मीटर, यानी आर ये भी लिखा होता है, कोई कोई बुक में एल भी लिखा होता है, ठीक है। ऐसे भी साइन होता है, याद रखना। हेडफोन होता है ना, वैसे इसका ओम का साइन होता है, साइन साइन समझ रहे हो ना। अब चलो पावर माइनस 8 ओम मीटर टू 10th पावर माइनस 6 ओम मीटर। जो मेटल और एलॉय का स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है वो इतने के रेंज में होती है, याद कर लेना, कभी कभी पूछा जाता है बोर्ड में 10 पावर माइनस 8 टू 10 पावर माइनस 6, याद रहेगा। इंसुलेटर का कितना होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर का कितना होगा? 10 पावर 12 ओम मीटर टू 10 पावर कितना होता है? इसका एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा एनसीईआरटी में दिया है, शायद 10 पावर 10 टू 10 पावर 12 बताया, ठीक है। एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, शायद 10 पावर 10 टू 10 पावर 12 बताया। ऐसे एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, एग्जैक्ट कल बता देंगे, ठीक है। अब एक चीज और याद रखो, ये तो समझ जाए, ये इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि ऊपर वाला इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय और मेटल का कितना स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होता है? अब देखो एलॉय क्या होता है, व्हाट इज एलॉय? ए सब्सटेंस और मेटल मेड बाय मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटालिक्स एलिमेंट।
कोई एक नया मेटल बनता है, जब दो मेटल को मिक्स करते हैं तो जो एक नया मेटल बनता है उसी को बोलते हैं एलॉय। समझ में आ गया? एलॉय का समझ में आया डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि जब दो मेटल को मिक्स करते हैं तो एक नया वाला जो मेटल बनता है उसी को बोलते हैं एलॉय। तो क्या लिखा हूँ, ए सब्सटेंस या मेटल मेड बाई मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू एलिमेंटल मेटालिक एलिमेंट। मेटालिक मतलब दो मेटल ही वाले एटम हो, दोनों आपस में मिलते हो तो एक नया बनाते हो, उसी को बोलते हैं एलॉय। समझ में आ गया क्या होता है एलॉय? चलो लास्ट पॉइंट, अब इसके बाद से अगले वीडियो में अच्छी से पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट लिख लिए, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ वैरी, वैरी मैंने समझते हो ना, वैरी विद वैरी टेम्परेचर। इसका डिफिनेशन समझो, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता घटता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ता घटता है। रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं? आर से। रेजिस्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं? रो से। भूलना नहीं, रेजिस्टिविटी भी चेंज होता है, रेजिस्टेंस भी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और कोई भी चीज़ पूरे पूरे वीडियो को देखो तभी समझ में आएगा, बीच में छोड़ दोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं कल।